पहले सीख के आओ फिर खाना बनाया करो, ऐसे नहीं तो बोल रहे आपसे ज्यादा आता है। मैं देखो व्यूअर्स आज खाना बनाना मुझे कितनी बातें कर रहे हैं, कुछ पता होता है नहीं आपको खाना को जरूर में आके बात कर रहे हो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर भी। तो आज का कुछ ऐसा भी लोग होने वाला है, करने वाले हैं कुकिंग, हस्बैंड वाइफ मिलके पूरी कुकिंग करेंगे। वैसे तो मैं जाता हूँ किचन में, वैसे ही थोड़ा बहुत हाथ लगा देता हूँ हांडी वांडी को, लेकिन आज हम पूरी कुकिंग करेंगे मिलके एक दूसरे के साथ। आज हम बना रहे हैं संडे स्पेशल पालक गोश्त, आज बना रहे हैं हम लोग पालक के साथ, तो देखते हैं कैसी बनती है। लेकिन इसमें जितने ही मसाले वगैरह हर एक चीज मैं खुद डालूंगा। पालक लेने आ गया तू, इसका खाना मैं इसको खाना देकर आ रहा हूँ जल्दी से। इसका खाना बन गया था, बेचारा वेट कर रहा होगा तभी बार बार। अच्छा तो यहाँ पे पोमी बोरी मैंने हल्दी डाल दी बीच में और गोश्त जो ना हो रहा है बॉयल, तो यहाँ पे लाइट ऑन करके कैश का खाना जो ना बना हुआ है यहाँ पर। पहले मैं काट रही थी पालक और मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पर पेन होने लग गई थी, बता इसको ना टाइटली पकड़ना पड़ता है, तो मैं इनको ना यहाँ पर पत्ते पत्ते निकाल के दे रही हूँ, यहाँ पर ना कटिंग कर रही हूँ। और ऊपर करना जान हा? ये डंडी है ना हाँ। इसको ऐसे और ऊपर करना, ये जो पालक है ना खाली पालक पालक, तो वो डंडियाँ काट दी थी ना वो मोटी वाली थोड़ी डलती है, पतली वाली डलती है। पालक गोश्त पालक चिकन बड़ा ऑर्डर करते होंगे ना, ऑर्डर वाली भी बनती थी वो पनीर पालक जैसे होती है। अच्छा आप लोग का लंच अलग बनता था ना, हमारा अलग बनता था। अभी देखो इनके बाल अच्छे हो गए ना, वो ना स्ट्रेट भी कर लिया करो कभी कभी, नहीं नहीं स्ट्रेटनर्स ना फिर सीधे रहते हैं। अच्छा और रोमी को बताना कमजोर हो गए कि नहीं हुए मुझे तो लग रहे हैं, मैं इनको भी डाइट करवा रही हूँ अपने साथ साथ। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पालक कटिंग, हाँ मैं दूसरी छुरी भी लाई हूँ। हम लोग आ गए हैं पालक को जो ना बनाने के लिए, यहाँ पर हमारी पालक रेडी हो गई है जो कि हमने मतलब काटी है, और यहाँ पर बीफ भी रेडी हो गया, हमने ज़्यादा खाना नहीं था उस मुताबिक हम अपना लेकर आए थोड़ा सा, क्योंकि कोई और तो है नहीं ना मेहमान आने, बस वैसे कल होकर सारे चले गए, काफ़ी मज़ा आया सबके साथ। तो अभी हम जल्दी से बनाते हैं पालक पालक गोश्त, यहाँ पर अजान हो जाए तो उसके बाद अपना खाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम जो ना अपना चाय बना लें जब तक अजान हो। कुकिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा आप भी मुझे बताओ कि इसको भी क्या करना होगा, हो गया होगा आप तो बोलते मैं तो केला करूंगा, मैं तो बोलता हूं खाली मसाले वगैरह मैं डालूंगा, तो मिलके कर रहे हैं ना, मसाले मैं डालूंगा, मसाले मैं डालूंगा। नहीं प्लीज, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे मसाले डाले जाते हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है मसालों के बारे में, कौन कौन से डलते हैं और कैसे डालते हैं कुछ भी नहीं पता आपको, आपको तो पता है कैसे डालते हैं। हां मेरे को पता है, और आज आपको मैं बताता हूं कि कैसे डालने हैं, क्योंकि हमेशा यही डालती है और इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की शुरू शुरू में, मैं आपको क्या बताऊं बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, ऐसा ऐसा मसाला डाल देती है कि मैं खाना भी छोड़ देता था। मरीजों वाला खाना खाते होते थे। ओए खमोश, मरीजों वाला नहीं है वो, वो हमेशा लाइट मिर्ची ही खानी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इंसान को लगे, लेकिन इतनी ना हो कि इंसान से खाया ना जाए। वो ये क्या है, आ गया आईब्रो पे वाइट वाइट, वो मैंने सनब्लॉक लगाया। सनब्लॉक क्यों, यहाँ पे धूप आ रही है कहाँ से, चूल्हे के आगे खड़े हुए इसलिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो ना मेरे लिए बनाई है खूबसूरत सी दूध पत्ती चाय, जो कि अभी पीने के बाद तुम्हारा भाई ऐसा कुकिंग करेगा कि आप भी बोलोगे यार बस आज के बाद मैंने बनानी नहीं है खाना, मैं खाऊंगी तो रोमी के हाथों का, नहीं तो नहीं खाऊंगी, देख लेना ऐसी कुकिंग कर रहा हूँ ऐसी टाइट। जी कैसी बनी चाय सर? मैं वो तो जबरदस्त, हफ्ते में एक दफ़ा ऐसी चाय बनती है मुश्किल से, ऐसे ही ऐसी चाय पी के जितने भी चाय लवर है ना वो तो 10 काम कर ले, तो सीरियसली मेरे में कुछ चेंजिंग आ रही है ना, है ना तू तो मेरा वैसे ही चेंजिंग है, स्लिम मोड है ना तू तो मेरा वैसे ही चेंजिंग है, अभी तो मैं अपने अंदर पूरी चेंजिंग लाऊंगा बॉडी शेपिंग के हिसाब से, क्या सोच रहा है इतनी मैं चेंजिंग ले आना कि बीवी को ही भूल जाऊं, आदत से तो नहीं ना इंसान वो चेंज हो सकता है, वरना मैं यहां लटक के बॉडी शेपिंग ना यहां लटक के मर जाऊं। अच्छा मैं दिन में भी निकलूंगा ना अच्छी से अच्छी देखने के लिए, तो आप जैसी नहीं मिलेगी मुझे पता है, और कुछ नहीं खुदा ना करे हम लोग हमेशा। अच्छा चलो बहुत प्यार भरी बातें होगी, अभी हम चलते हैं जरा अपना कुकिंग की तरफ, हाँ। यहाँ पर हमारे आलू बैंगन आ गए, तो आलू को साइड पे कर दो, बैंगन ये मुझे लग रहा है कम ना हो जाए यार, नहीं नहीं बहुत है ना, दो लोग हैं हम लोग, मैं तो ये चाह रहा था गोश्त का सालन बन जाए मजा, हाँ। इन क्या है अभी क्या डालो, ऑयल डालो इसमें और प्याज, आलू
हम लोग ऑयल बहुत कम यूज करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ऑयल देखो सही कम ऑयल में भी अच्छी चीज बन जाती है। लोग सोचते हैं ऑयल ज्यादा हो तो चीज अच्छी, लेकिन कम ऑयल में अच्छी चीज बनती है। हमेशा हम लोग हमेशा मतलब बहुत डाइट होता है हमारा। मैं बहुत डरती हूँ जब कोई ऑयल डाल, वैसे भी जो ना इसमें इसमें वैसे भी जो ना जो नॉन स्टिक है ना इसमें थोड़ा सा भी आप डालो तो ग्रीस हो जाता है, क्योंकि वो जो ना जब्स नहीं होता मेरे ख्याल से, तो उसने बर्तनों में ना वो हो जाता है, मतलब क्या बोलते उसको गोल्डन हो जाएगा। उधर ही पड़ा हुआ लकड़ी वाला, ये रहा हमारा लकड़ी वाला चमचा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे लग रहा थोड़ा सा ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल डाल दो, ज्यादा कम हो गया। आपका भाई कुकिंग करता है प्रोफेशनली, आज आपको मिलेगी पालक आप मेरा वेट बढ़ा दोगे। कुछ आते ही नहीं शेफ, ऐसे तो करते हैं, उनका काम क्या होता है, कुछ भी बस बीच में डाल देते हैं और बना के देते हैं। हाँ यार ये यूनिक है, लेकिन ये नहीं बता अगले को क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। सही बात, ये भी चीजें देखनी पड़ती है। एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी, वहाँ पे कुछ भी बना देते हैं भाई, वो कुछ भी बना देते हैं, वो बहुत गंद करते हैं। सही बात है, तो ये हाइजीन का प्रॉपर वो जो ना वो नहीं करते ना, ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते। सो प्याज हमारे यहाँ पर हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, ठीक है। ये व्हाइट वाला प्याज थोड़ा मतलब टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी इसमें हम डालेंगे गोश्त, वो पानी नहीं फेंकना था वो यखनी थोड़ी सी रखनी थी, इसमें डालनी थी। मैं आपको बोला भी है, मैंने इसलिए बोला था वो चम्मच से निकाल लो, ये चम्मच से निकाल, अच्छा खाली ये निकालना था मैंने, मैं पागल थोड़ी हूँ, पानी से निकाल ले, पागल थोड़ी मैंने इसे निकाल के रखा था, मुझसे पूछ तो लो यार जान, थोड़ा सा अब क्या करें, वापस केकड़ी बना लेते इसकी, नहीं रहने दे उन पादे विच यार, मैं आपसे बोला भी था, आपने पानी भी डाल दी थी, मैं बोला गोश्त डालो, मैं प्रोफेशनल चेफ हूं इसलिए। हां ऐसे ही होता है जब ऐसे चेफ काम करते हैं ना, वो ही हां प्रोफेशनल चेफ में और जूनियर चेफ में बहुत फर्क होता है। सही, अब इसमें डालो वो अदरक लहसुन, अच्छा अदरक बोलो पूरे तरीके से बोलो ना, आज मैं विवाह को बोल गया, आप मुझे बोलो कि गोश्त निकाल लो खाली चमचे से, मैंने बोला तो है, वो बोला पानी फेंक दूं, आप मुझे चमचे के साथ वैसे मैं पानी फेंकने लगे, इसमें बोला चमचा ले लो, मतलब गोश्त बचा लेना तो पानी फेंक लेना, वो यखनी इस पर डालनी थी, थोड़ा गन्ने के लिए आलू, चलो खैर कौन सा वो ग्रैंड स्पून ले लो वहां से, यार खराब करना खाना, नहीं नहीं जो आपने मेरे से शादी जब नहीं हुई थी वो किए ना, कितना डालो आधा चम्मच और, हाँ बस चमचा मुमचा अगर मांगते जा रहे हो तो पहले सीख के आओ फिर खाना बनाया करो, ऐसे नहीं तो बोल रहे आपसे ज्यादा आता है, मैं देखो व्यूअर्स आज खाना बना रहे, मुझे कितनी बातें कर रहे हैं, कुछ पता होता है नहीं आपको, आने को जरूर में आके यहां पे लगे हुए हो, चले 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 यो गिर जाएगा, मैं प्रोफेशनल चेफ हूं, मैं ऐसे ही बनाता हूं, तेज नहीं करो चल जाएगा यार, ऐसे बनता खाना आपको पता ही नहीं कुछ, जो है ना हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अब आएगा मुझे बस चमचे को साइड पे करा दे, कितनी ये कम कितनी मतलब आधा, हाँ बड़ा जी जी, वो ब्लैक पेपर का बहुत ही इस्तेमाल करती, मुझे नहीं पता क्यों टेस्ट आता, इनको लगता है कि टेस्ट आता। अच्छा ये नमक कितना डालते हो, डालो एक आधा देखो जब हम करेंगे इसको ये तो पालक गुल जाएगी, दो मसाले यार देखो गुल जाएगी, लेकिन उसके बाद मसाले जो ना हमें घुमा देंगे, मुझे लग रहा है अगर मैंने ज्यादा डाल दूं, और मैं चाहता हूँ आपको मसाले घुमा दें,
कितने डालो जल्दी बताओ? दो चम्मच। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पूरा मिल्क के साथ। वो ये तो छोटा सा चमचा बड़े ना, थोड़ी सी और डालो। तो करे आगे पालक बोलने के बाद हम भी बोल जाते हैं इसके बाद मसालों के। आप लोगों को पता ही नहीं मसाले कैसे मैच करते, कैसे करते हैं ये देखो, ऐसे करते मैच। वो टमाटर कितने आ गए? नहीं साथ इसमें डालेंगे हम टमाटर। अच्छा टमाटर टमाटो टमाटो पान दे बाद सब चोलना है इन्हों की करना मैश करना है टमाटर को भी? नहीं नहीं बस मिक्स कर लो और थोड़ा स्टीम पे रख। नहीं इसको मुझे टोस्ट टोस्ट करना है ऐसे ऐसे। वो नहीं जब वो नरम हो जाए तब करते हैं। वो इन्हें टोस्ट टोस्ट तो करनी पड़ेगा इसको, उनको पता है कि खाना ढकने के बाद चले जाते हैं और थोड़ा सा बैठ के उसके बाद आते हैं वापस। तो ऐसा है यहाँ पर जो ना हमारा जो ना सालन जो ना क्या इसको बोलते हैं गोश्त वगैरह जलने वाला था। शुक्र है पोमी ने आगे देख लिया कि मैं बैठने चले गया था। यहाँ पर उन्होंने आलू डाल दी बीच में, और क्या डाले? बस आलू गल जाएंगे फिर एंड में पानी। मसाला चेक किया था, नमक कम तो थोड़ा सा नमक डाल। सही ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़े खाते हैं किन्नू। किन्नू बोला जाता ना माल्टे, माल्टे किन्नू कुछ भी बोल दो। यहाँ पर जो ना हमारा जूनियर शेफ ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो प्रोफेशनल शेफ है वो आराम कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम जो ना हमारा मेरे ख्याल से बन गया भाई, क्या बोलते हैं शोरा। ओए गरम गरम, सॉरी सॉरी, एक्टिंग तो करनी चाहिए ना थोड़ी, इनके तो हम बात छोड़ देते हैं। पालकू पालक पालक डल गई, डल गई रे पालक। अब मैं इसको हिलाऊंगा, आराम से लेना पानी ना। इसके अंदर क्या है? इसको वो नहीं था करना क्या? दुस दुस। नहीं नहीं वो नहीं है, दुस दुस थोड़ी, वो शलजम होती है। पगलू उठा ले क्या? गोश और चिकन हो रहा है मिक्स आराम से। आलू किसके लिए डाले? हेलो अस्सलाम वालेकुम, यस कौन? हेलो हाँ अच्छा रोक मैं कर रहा हूँ। शोरा है इसके अंदर कितना सूख चुका है। ओ ओ ओ ओ बाप रे बाप बाप बाप, ये क्या जल ना जाए? रुको रुको रुको, पालक को हमारी अच्छा पालक नीचे बेगम, हल्का हल्का ग्रेवी है, इसको भी सुखाना है ना, अभी पूरा सूखना चाहिए ना व्यूअर्स। ये हैं हल्की हल्की ग्रेवी, इसको भी सूखेगी ना ये पूरी। काश हम कर तो दोनों रहे थे, ये ज़्यादा मेहनत तो मेरी है इसमें। ओमी तो सोई रहती है, अभी देखना सोई उठ के आ रही है यहाँ से। तो हमारा घर आ जाओ बन गया, अब क्या फ़ायदा आपका? अब मैं बना भी लिया, अब क्या फ़ायदा आपका? अब तो बन गया है बस करो। अब मैं इतनी देर से लगा हूँ किचन के अंदर, व्यूअर्स को पता पहले कि मैं यहीं पर था, अभी भी आपको यहीं पर मिला हूँ और आप यहाँ पर आके अभी हाथ मार रहे हो बस और दिखा रहे हो। खुशबू तो अच्छी आ रही है लेकिन ये थोड़ा सा, हाँ तो ये सूखेगा, पूरा सुखा देना हमने जान, जितना भी पानी है ना पूरा सूखेगा, पूरा सुखाना है, पूरा आपको पता ही नहीं है कुछ पूरा। वो नहीं स्लो ही रहने दे, अभी भी स्लो आंच पे हुआ है, जल ना जाए लग ना जाए। और एंड में हम लोग गार्निशिंग करेंगे। क्या करेंगे? गार्निशिंग करेंगे इसके साथ, गाजर निशिंग कर लेंगे, मसला थोड़ी है, लाजमी थोड़ी गार्निशिंग कर लेंगे, गाजर निशिंग कर लेंगे हम। तो कैश हमारा सो रहा है तो फिर हम भी ज़रा चलते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मेरी लगे पहले खाना टेस्ट कर लें, उसके बाद जो है ना कुछ करेंगे। खाना तो टेस्ट कर लो, पता नहीं हम फिर कब खाएं कब नहीं, तो वीडियो डालनी इसलिए। टेस्ट करें इसको चिड़ियों की तरह आप नवाले ले रहे हो, आप पकड़ो पूरा नवाला, हाँ जी खा जाओ। ये चिड़ी की तरह कौन खाता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे नवाले लेके, क्या लगता है? मुझे लग रहा है आज मेरे हाथ बेकार हाथ लग गए। बहुत मज़े गए हैं, बहुत टेस्टी, बिकॉज इस रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया है। सच्ची झूठी तारीफ कर रही है, मैं टेस्ट करके करता हूँ। नहीं मैं टेस्ट करूँगा, मैं टेस्ट करूँगा क्योंकि आज मैं बनाया है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हाथों में वो मैजिक है या नहीं। किसी दिन अपने सब्सक्राइबर को भी मैं अपने हाथ खाना खिलाऊँगा। अपने हाथ से क्या मैं तारीफ करूँ, अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ,
आप ही बताओगे हम। सच्ची ना बाकी यही बस थोड़ा सा नमक कम है, नमक दे करो। बिल्कुल सही, रोटी के साथ ना करना। चलो जी, सालन तो बहुत ही यम्मी बना था, बहुत मजे का। मैं क्या तारीफ करूँ अपने मुँह से खुद की। तो यहाँ पर जो ना अभी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं हम दोनों। ये देखो, ये खा रही है वो वाली और मैं खा रहा हूँ ये वाली। तो आपसे मिलते हैं कल। अच्छे से जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जल्दी कर दो और शेयर कर दो। वापस हम आ रहे हैं अपने जोश में। तो मिलते हैं आपसे कल। अच्छे से जो है तो बाय।